पंजाब के लैमरन टेक स्किल्स यूनिवर्सिटी ने आईबीएम के साथ स्टूडेंट्स के लिए शुरू किए भविष्यवादी कौशल उन्मुख कार्यक्रम में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यूनिवर्सिटी को वित्तीय सहयोग प्रदान कर रही है। अब आगरा सहित देश भर के आर्थिक स्तर पर कमजोर मेधावी युवा बीटेक, एमबीए और बीबीए सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों में उच्च शिक्षा ग्रहण कर रही है। कौशल विकास के क्षेत्र में पंजाब स्थित भारत की पहली लैमरन टेक स्किल्स यूनिवर्सिटी द्वारा वैश्विक तकनीकी दिग्गजों के सहयोग से भविष्यवादी कौशल उन्मुख कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इसके तहत अब आगरा सहित देश भर के आर्थिक स्तर पर कमजोर मेधावी युवा बीटेक, एमबीए और बीबीए सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों में उच्च शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। ताजनगरी में संजय पैलेस के एक होटल में पत्रकारों से रूबरू होते हुए यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर और संदीप सिंह कोरा ने यूनिवर्सिटी के रोजगार परक पाठ्यक्रमों की जानकारी दी। जो लैमरन टेक स्किल यूनिवर्सिटी है ये पंजाब में सेटअप है, बट ये अपनी तरह की भारत की पहली यूनिवर्सिटी है जो इंडस्ट्री द्वारा स्थापित की गई है। इसमें इंडस्ट्री लाइक आईबीएम जो है कंपनी जो टॉप नाउ नेम है वो एंकर पार्टनर है, एंड इसके अलावा टाटा एंड एनसिस कॉरपोरेशन इसको इनक्यूबेट कर रहे हैं। सो सिंस ये अपनी तरह की पहली यूनिवर्सिटी है जो इंडस्ट्री ने सेटअप की है, तो हमने वो प्रोग्राम लॉन्च किए जो इंडस्ट्री द्वारा ही तैयार किए गए हैं। और जब हमने ये प्रोग्राम लॉन्च किए तो हमारा मेन, क्योंकि ये पहली बार ये प्रोग्राम लॉन्च हो रहे थे, तो हमारा फोकस था कि हमें जो अच्छा एक मेरिटोरियस बच्चे पे लेके आना है। और हमने इसका जो क्राइटेरिया रखा प्रोग्राम्स का वो मिनिमम 70% इन 10th एंड प्लस टू चाहिए। यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम समाज के जरूरतमंद मेधावी छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। सीरियस के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।